जय श्री राम। हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू गाड़ीबाज। और आज हम आ चुके हैं अवार माता। अवार जो है वो छतरपुर जिले में साहेगढ़ तहसील के अंदर आता है। सो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और जो मंदिर की खास बात है वो चंदू हमें बताएगा। चंदू, मंदिर की क्या खासियत है यहाँ? बहुत सारी खासियत, चलो पर अंदर जाके देखते हैं। और पहले प्रसाद ले लें अपन। सो पहले हम लोग प्रसाद लेंगे। चंदू लो। सो भैया जी के यहाँ सारा सामान हम लोग यहीं जमा कर देते हैं, हेलमेट, जूता चप्पल जो भी है, फिर उसके बाद ही ऊपर जाते हैं। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं मंदिर के, और आपको भी दिखाते हैं मंदिर का व्यू। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ रुकने के लिए, कि जैसे आप आएंगे तो यहाँ के दाल बाटी वगैरह बना सकते हैं, खा सकते हैं, साथ में पूजा है जो वो भी कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट प्रिंट। और चंदू भाई, मंदिर आगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मंदिर में आने के बाद पहले हनुमान बाबा जी हैं, इनके दर्शन करते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, और ये है माता जी। सो अभी हम मंदिर से होके आगे जा रहे हैं। गाइस, एक चीज और यहाँ की है जो स्पेशल है, ये जो स्तंभ है इसके ऊपर भी मंदिर है, जो कि काफी समय पहले रखा गया था। और यहाँ काफी ज्यादा शांति है, और साथ ही साथ मंकीस बंदर भी हैं। अच्छा, सो चंदू बता रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और मैं यहाँ काफ़ी छोटा था तब आया था, और तब से अभी आया हूँ, मतलब लगभग 15 साल बाद, है ना चंदू? और 15 से 70 गाइस, और साइड में खेत भी है, मैं आपको खेत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा चंदू है। ये गाइस, एक ही जगह पर 5-6 बंदर जो है वो बैठे हुए हैं, और उनको आ गया गुस्सा हम लोगों के छेड़ने पर। ये हमारे शिव शंभु भोलेनाथ के दर्शन करके, और अब हम वापस चलते हैं। और आज का जो ब्लॉग है लगभग इतना ही रहेगा, छोटा रहेगा, 3 से 5 मिनट का। बाकी हम मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन। सो अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।